एक्चुअली मैं चाहती थी कि नील अपनी आवाज़ उठाए। मुझे मुनव्वर तो कुछ भी क्या ही बोलूँ मैं, वो रियल सेल्फ है ही नहीं। वो मुझे वो कुछ बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं लगते, और आयशा के आने के बाद तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं वो। विक्की के साथ शायद रहे, बट अंकिता के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगा। हाय, और दिस इज ऐश्वर्या शर्मा एंड यू आर वॉचिंग मी ऑन PNTV। हेलो एवरीवन, वेलकम टू PNTV। दिस इज मी अंकिता पाठक, और आज हमारे साथ है बिग बॉस 17 की धाकड़ कंटेस्टेंट ऐश्वर्या शर्मा। सबसे पहले तो स्वागत है ऐश्वर्या हमारे चैनल में आपका। थैंक यू सो मच। और मैं धाकड़ हूँ, मुझे पता चला है आज। नहीं, आप हो बिकॉज आपने वैसा खेला है। मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ, जब आप और नील नॉमिनेट होके बाहर आए थे, तो आप और नील ऐसे बात कर रहे थे कि आपने ऐश्वर्या नील को कहा कि या तो तू जाएगा या तो मैं जाऊँगी, तो आपको तभी फील हो गया था कि आप जाने वाली हैं। नहीं, फील इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि वोटिंग के बेसिस पे अगर होता है, और जिस तरह से मुझे पोर्ट्रे किया गया है अंदर घर वालों की नज़रों में कि मैं कुछ नहीं कर रही हूँ शो में, मेरा कोई गेम नहीं है, मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ, तो मुझे ऐसा फील हुआ था कि यार शायद मैं कुछ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से अपना 100% दे रही थी, बट लोगों को फिर भी दिखता नहीं था। और मुझे कहीं ना कहीं लगा था शायद लोग मुझे पसंद नहीं कर रहे होंगे, मेरी एक नेगेटिव इमेज बाहर गई है क्योंकि मैं अपने हस्बैंड पे चिल्लाई हूँ, तो शायद कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि हो सकता है मुझे वोट्स ही ना आए। हमने ऐसा देखा था कि आप नील पे, मुझे ऐसा लगता था कि आप ऐसे इसलिए चिल्लाती है क्योंकि वो ज़्यादा बोलते नहीं हैं। जो भी उनके साथ होता है, यू नो, गेम में होता है, तो वो ऐसे सहके ले रहे, तो आप बोलते हैं आप चुप रह के सुनो मत, तुम जवाब दो, तो इसलिए आपका फ्रस्ट्रेशन उनके ऊपर निकल। निकलता तो था ही। एक्चुअली मैं चाहती थी कि नील अपनी आवाज़ उठाए, मुझे ना बोलना पड़े उसके लिए, नहीं तो फिर वो ही लगेगा कि नील कुछ नहीं बोल रहा, ये बोल रही है। तो नील को अपनी आवाज़ उठानी चाहिए थी, जो उसने नहीं उठाई। और अभी तो मैं सच में मैं प्रे कर रही हूँ भगवान की नील बस अपना मुंह बंद ही ना रखे। वो तो हमने देखा, जैसे ही आप निकली, वो अभी उनका वायलेंट वाला एक अवतार हम देख रहे हैं। अब मैं ईशा तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, मतलब रिवेंज वाला टाइप जो उनका है, लगता है कि नील रिवेंज लेंगे। और उनका गेम, अब आप निकल गई तो और अच्छा होगा, क्योंकि घर वाले बोलते थे कि आपकी वजह से उनका गेम अच्छा नहीं रहता था, या फिर आपकी वजह से उनका गेम बिगड़ रहा था। जो भी आपने सुना ही होगा, कई बार आपके ऊपर भी बोला गया। बिल्कुल नहीं, मेरे मुझे तो ऐसा बोला जाता था कि नील की वजह से मेरा कोई गेम नहीं है, मैं इंडिविजुअल नहीं हूँ, मुझे बिग बॉस के थ्रू ये बोला गया था, क्योंकि नील तो अपना गेम खेल ही रहा था। तो आई डोंट थिंक सो, नील पहले भी करता था, अभी भी और ज़्यादा करेगा, क्योंकि अभी एक वो रेज आ गई है उसके अंदर, तो ही विल डू गुड। और हमने ये भी देखा है कि जब भी यू नो आप घर के अंदर थे, आप जैसे आपको बॉन्ड नहीं बनाना, जैसे अंकिता और विक्की के साथ हमने कई बार देखा, आप बोल चुके हो मुंह पे, तो यही चीज़ घर वालों को नहीं पसंद आती थी। और सलमान खान भी कई बार कह चुके हैं आप रिस्पेक्ट नहीं करती, सीनियर है और भी चीज़ें, जैसे कि आप बॉन्ड नहीं बनाती हो, और यही चीज़ शायद घर वालों को नहीं पसंद आती, आपका टोन का यही प्रॉब्लम बोलते हैं। मुझे कभी भी बॉन्ड के लिए सलमान सर से नहीं बोला गया, मुझे एक ही चीज़ पर डांट पड़ी है, वो है नील और मेरे झगड़े पे। और घर वालों के बॉन्ड नहीं बनाती मतलब जिनसे बनाती हूँ उनसे बनाती हूँ, और जिनसे नहीं बनाना है वो नहीं बनाना, क्योंकि सामने वालों ने, जब सामने वाला आपको बिट्रे करेगा, सामने वाला आपको बार बार बैक स्टैब करेगा, तो आप क्या उसके साथ बॉन्ड बनाओगे? क्यों बनाओगे? क्यों? धोखा खाने के लिए? बार बार धोखा खाने के लिए? वाई? आई विल नॉट मेक एनी बॉन्ड, मैं दिखावा नहीं कर सकती, सॉरी आई कैन नॉट डू दैट। मेरे मेरे मेरी शक्ल पर आ जाएगा वो कि मैं फेक मैं नहीं हो सकती, मैं बहुत अच्छी, मैं तो बात कर लूँगी, ये मैं नहीं कर सकती, सॉरी आई कैन नॉट डू दैट, नॉट इवन इन रियल लाइफ मैं नहीं करती हूँ ऐसे। विक्की के साथ हमने आपकी काफ़ी फाइट देखी है, पर एक अलग बॉन्ड भी देखा है। यू नो, आप लोग जो मस्ती करते थे, फाइट करते थे, वो एक वीडियो भी काफ़ी वायरल होता है आप दोनों का साथ में मस्ती वाला, तो उस पर आप क्या कहेंगी, ये बॉन्ड बाहर भी रहेगा? विक्की के साथ शायद रहे, बट अंकिता के साथ बिल्कुल भी नहीं रहेगा, और अगर अंकिता रोकती है विक्की को तो नहीं रहेगा। विक्की फाइट फाइट में नील को कई बार बोले कि जैसी दोस्ती मैं निभाया, बार बार तुझे बुलाता था, जैसे भी करता बुलाता था पार्टी में, यू नो, वैसे तू नहीं किया है, वैसा काम तू नहीं करता है, तो उनकी दोस्ती सिर्फ पार्टी तक है। कैसी है उनकी फ्रेंडशिप, आप तो जानती है बाहर भी। उनकी फ्रेंडशिप जिस पार्टी तक ही है, वो बुलाते थे तो हम बहुत बार नहीं गए, और बहुत बार मतलब उन्होंने बुलाया तो एक रिस्पेक्ट के लिए हम लोग चले गए कि यार हमेशा बुलाते हैं, लेट्स गो, क्योंकि बहुत बार हम शूटिंग में बिजी रहते थे तो जा नहीं पाते थे, और उन्होंने ये बोल दिया कि तूने कब बुलाया है। तो मैं बताना चाहती हूँ हम लोग पार्टीज नहीं थ्रो करते हैं, ऐसी नहीं है हमारा, हम लोग बहुत नॉर्मल इंसान हैं, हम नॉर्मल लोग हैं रियल लाइफ में भी, कि हम लोग ऐसे पार्टी वार्टी थ्रो करना, इट्स नॉट आर कप ऑफ टी कि आप
एवरी वीक और एवरी फेस्टिवल हम ऐसे ही चल के चल पार्टी करते हैं भाई, हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते और हमको करना भी नहीं है, बिकॉज हमारी वो मेंटालिटी ही नहीं है कि पार्टी करना है। हमारे कुछ क्लोज फ्रेंड्स हैं, हम उनके साथ या तो हाउस पार्टीज कर सकते हैं, घर में बैठ के बातचीत करना पसंद है, या फिर हम लोग डिनर पर चले जाएंगे ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा हम लोग पार्टी थ्रू नहीं करते हैं। घर में आपका सबसे अच्छा आपकी दोस्ती किसके साथ बनी है और जिसकी बाहर भी आपके साथ उनकी दोस्ती बनी? रिंकू जी डेफिनेटली, उनसे मैं बोल के भी आई थी मैं बाहर जाके आपसे ज़रूर मिलूंगी। और अभिषेक, बात करें मुनावर और आयशा की एंट्री के बाद, मनारा काफ़ी अलग दिखी है, मतलब आपने भी उनको नोटिस किया है, वो ऐसा क्यों बिहेव कर रही हैं, क्या प्रॉब्लम है? दोस्ती के वजह से है या उनकी फीलिंग कुछ और है उनको लेके? क्योंकि घर वाले तो कहते हैं कि उनकी फीलिंग है मुनावर को लेके। अब घर वाले कह रहे हैं और तो मुझे भी लगा है कि मनारा के अंदर कहीं ना कहीं वो फीलिंग है, बट मनारा एक्सेप्ट नहीं करना चाहती है। शी इज़ इन अ डिनायल मोड कि नहीं मुझे कोई फीलिंग्स नहीं मुनव्वर के लिए, बट उसकी एक्शंस बहुत अलग लगती हैं, बहुत ज़्यादा अलग लगती है। द वे शी रैन बिहाइंड हिम इन द बाथरूम, वो बहुत वियर्ड लगा है ना। आई वाज आल्सो शॉक्ड कि ये क्या कर रही है, क्योंकि मैंने आके देखा ये सब चीज़, मुझे पता नहीं था कि वो ये सब कर रही थी अंदर, तो बहुत वियर्ड लगता है जो भी वो कर रही है उसके लिए। आयशा के बाद आपने जो मुनावर को देखा है, ऐसा नहीं लगा कि स्टार्टिंग में जो मुनावर दिखा रहे थे, अपनी जो पर्सनैलिटी दिखा रहे थे, बहुत अच्छे हैं और स्मार्ट है, बहुत समझदारी वाली बातें करते हैं, पर अब वो वैसे नहीं है, बहुत अलग है, जो चीज़ वो दिखाते वो वैसे है नहीं। मुनावर तो कुछ भी क्या ही बोलूँ मैं, वो रियल सेल्फ है ही नहीं, वो कुछ अलग गेम दिखाना चाहते थे, अलग दिखाऊंगा मैं, कुछ अलग करूंगा, जो जिस वे में उन्होंने बोला था, तो उनका अगर वो कुछ अलग दिखाना ही चाहते थे तो एक मुखौटा ही पहन रहे होंगे मे बी, बट वो अलग दिखा नहीं, वही बोरिंग और फ्लैट लाइन जो उनको बोला गया था वही दिखे हैं अभी तक, मुझे बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं लगते। और आयशा के आने के बाद तो पता नहीं क्या ही कर रहे हैं वो। आपको लगता है कि बिग बॉस ने गलत कैप्टन बन चुकी है बिग बॉस के घर में ईशा, क्योंकि उन्होंने खुद अभी प्रोमो एक हमने देखा जिसमें उन्होंने रूल ब्रेक किया, वो सो रही थी, तो अभी राइडर को भी उन्होंने नहीं निकाला, राइडर हमने एक्सपेक्ट किया था कि वो राइडर निकलना चाहिए, बट आपको उन्होंने निकाल दिया। और आपको लगता है अगर ये जनता के ऊपर रहता तो आप नहीं निकलती? डेफिनेटली नहीं निकलती अगर रूल ब्रेक के आधार पर होता, पर ठीक है ईशा ने अपना डिसीजन लिया, मैं उसको स्ट्रांग लगती थी इसलिए उसने हटा दिया, दैट्स इट। अंकिता ने भी लेकिन आपकी साइड ली है इसमें, उन्होंने कहा है कि वो गलत किया है उन्होंने, भले ही विक्की इसके अगेंस्ट है, विक्की ने ईशा को सपोर्ट किया पर अंकिता ने आपको सपोर्ट किया, ये चीज़। विक्की बहुत दोगला आदमी है सच में, वो कभी इधर तो कभी उधर, अंकिता ने बोला होगा यस आई अग्री, कभी कभी वो सही डिसीजन ले लेती हैं यस, और उनको लगता है कि वो ऑनेस्ट हैं तो शायद उन्होंने बोला होगा ये चीज़, बट हाँ ईशा ने गलत डिसीजन लिया है। जो मैं वर्ड बोल रही हूँ आपके दिमाग में जो भी नाम आएगा वो आप बोल दीजिएगा कंटेस्टेंट में बिग बॉस के, पलटू विक्की, okay, धोखेबाज विक्की, okay, स्मार्ट प्लेयर नील, ओके okay, चालाक विक्की, बोरिंग मुनव्वर, ओके लास्टली नील के फैंस के लिए और अपने फैंस के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे और कोई अपकमिंग प्रोजेक्ट्स है जो हिंट देना चाहोगे? नहीं फिलहाल तो कुछ नहीं है, बट गाइस नील अभी अंदर है और आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि अभी वो आई वांट हिम टू विन और आप प्लीज़ उसके लिए वोट कीजिए, थैंक यू सो मच। लास्ट एक क्वेश्चन है, अगर नील विनर, नील के अलावा आप किसको विनर देखती है? किसी को नहीं, मैं खुद को देखती थी, आई एम अ विनर सीरियसली।